Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Mohammed Ansari, aap sabhi logon ka Sunny Deol ki film Gadar 2, yani ke Gadar Dvitiya ke day number 1 ke box office collection prediction, audience occupancy, show count and advance booking report number 3 mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? My friends, jis tarah se Gadar 2 ki advance booking chal rahi hai, आप भी गवाह हो, मैं भी गवाह हूँ. हमने महामारी के बाद बड़ी सी बड़ी फिल्में ट्रैक करी है. दिस इज एन एक्सेप्शनल एंड आउटस्टैंडिंग केस. सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मैं हिंदी फिल्मों की खाली बात करूँ तो पठान को अगर मैं साइड में रख दूँ, क्योंकि गाइस वो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उसके ऐसी एडवांस बुकिंग शायद ही अभी आने वाले समय में कोई फिल्म करने की क्षमता रखती है. लेकिन अगर पठान के बाद अगर कोई फिल्म है जिसने ऐसी क्रेज पैदा की है एडवांस बुकिंग में, देन गाइस दैट इज गदर 2. द यूफोरिया ऑफ तारा सिंह. हे गाइस, कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू मेक अ नेम एज अ दृश्यम 2, विजय सलगांवकर, वो मोहनलाल जी की फिल्म कितनी भी भाषा में बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द ब्रांड विजय सलगांवकर जो था ना, दृश्यम 2 क्या चली थी वो टाइम पर, आप सभी लोगों को मालूम है. द ब्रांड इज इम्पोर्टेंट एंड यहाँ पर द ब्रांड तारा, नथिंग, पब्लिक कुछ भी नहीं देख रही है. पब्लिक को बस तारा सिंह के दिमाग में मेमोरी है, वो निकला गड्डी लेकर, वो डायलॉग बाजी, वो पूरा ऊर्जा काले काम, वो पूरा यूफोरिया तारा सिंह का. इसीलिए गाइज जो टिकट है वो इस तरह से बिक रही है. क्या सीपी, क्या राजस्थान, क्या सीआई, सभी जगहों पर टिकट फास्ट फिलिंग मोड पर है. एंड जब पीवीआर ऑक्शन सिनेपोलिस व्हेन दे जॉइन द पार्टी, वहां पर भी यूफोरिया हो रहा है. गेम इज ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि गाइस सनी डियोल एट दिस एज इज गोना सरप्राइज यू विद अ बॉप लेवल ओपनिंग. एंड गाइस, जितनी ओपनिंग डे 1 की होगी उतनी ही ओपनिंग या फिर उतने ही कलेक्शंस ये फिल्म जो है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन करने वाली. क्योंकि गाइस इंडिपेंडेंस डे के दिन ऑब्वियसली द फर्स्ट चॉइस विल बी गदर 2. द फिल्म इज फिल्ड विद पेट्रियोटिज्म एंड दिस इज द बेस्ट बेट फॉर एवरी वन ऑन इंडिपेंडेंस डे. इसके एपिसोड शुरू करते जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली गदर 2 क्या कर रही है. सो गाइस, पिछली बार जब मैं आपको छोड़कर गया था तो गाइस का करोड़ रुपए में एडवांस बुकिंग नहीं हुआ था, आई थिंक 60-65 पे था, आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन अब गाइस अभी सुबह तक गदर 2 1.75 करोड़ का एडवांस बुकिंग कर चुकी है. अनबिलीवेबल नंबर्स टू द इयर्स एंड विदाउट ब्लॉक सीट्स. हम ये सब नहीं है यहाँ पे, विदाउट ब्लॉक सीट्स. आई एम यू नो शॉक्ड कि उतनी एडवांस बुकिंग हम लोग बड़ी सी बड़ी फिल्मों की ओपनिंग डे में थिएटर के बाहर खड़े रहकर बताता हूँ आप लोगों को. एंड वो फिल्में 10 करोड़ की ओपनिंग लेती है वॉक इन ऑडियंस पे. गदर का 10 करोड़ पहले दिन का कन्फर्म समझ लो आप, अभी से 8 दिन पहले ही है ना, कि 10 करोड़ तो कैसे भी जाने जाना है. लेकिन अभी 25 करोड़ के कितना ऊपर ये फिल्म जाएगी ना, वो सबसे बड़ा प्रश्न है. एंड गाइज यहाँ पर फर्स्ट वीक में इट्स गोना बी क्रेजी मैन. मैंने थोड़ा सा वो किया है कैलकुलेशन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये फिल्म पहले 100 करोड़ कमाने वाली थी, अभी 130 करोड़ कमाएगी सिर्फ इतने दिनों में. चाहे कुछ भी हो, ये फिल्म एडवांस में इतना फुल हो जाएगी कि आगे क्या होगा सोचने की टेंशन ही नहीं. फिल्म 130 पेल के निकल जाएगी इतने कम समय में. एंड गाइस एटीपी 230 कर दिया है. तो आफ्टर पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस एटीपी बढ़ गया है. इसका एवरेज टिकट प्राइस यानी कि 230 रुपये, फेयर इनफ. मुझे तो लगता है गदर 2 के लिए इनको ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग रखना चाहिए. जब झुक झुक जो जैसी भंगार पिक्चर के लिए इन लोगों ने इतना महंगा टिकट रखा था, तो दिस फिल्म तो डिजर्व 230 रुपीज का एटीपी. मार मास मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ ना, दे हैव ओनली वन थिंग इन माइंड, दे वॉन्ट टू इंजॉय इन द सिनेमा हॉल. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, दे वॉन्ट विंटेज सनी, सनी मारना उधर जाकर, बस खाली धनाधन वो देखना उन लोगों जाकर. एंड गेटी विल इरप्ट, गेटी विल इरप्ट मैन. सीरियसली मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस इज वन फिल्म आई वुड लव टू गो एंड वॉचिंग गेटी गाइज. एंड 63,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, दीज आर क्रेजी नंबर्स. ये मिरेकल है, गदर निकला गड्डी लेके, एडवांस बुकिंग की गड्डी लेकर गदर जो है निकल गया है. एंड गाइज यहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस ने कल रात तक 18,000 टिकट सोल्ड किया. अभी डेटा नहीं आया, सुबह मेकिंग दिस एपिसोड वेरी अर्ली, तो गाइज 18,000 टिकट जो है वो
PVR, INOX एंड सिनेपोलिस ने खाली बेची है। दीज आर क्रेजी नंबर्स। आस्ते आस्ते सर्कस ने जो लाइफ टाइम बेची थी ना PVR एंड सिनेपोलिस में, डे वन के उसको आज तोड़ देगा। मैं आपको रात को बताऊंगा, जो एपिसोड डिस्कस करेंगे। अब मजा आने वाली है शो काउंट में गदर 2 की। उस दिन 183 शो से दिल्ली NCR में, आज 421 है। भागेगा अभी शो, हजार हजार शो लेगा मुंबई दिल्ली NCR। हाँ, दिल्ली NCR 13%, अभी से 13%। अरे नॉर्थ बेल्ट में तो डोंट आस्क एनीथिंग, वो दिल्ली में सब डिलाइट और सफ अली रोड के सिनेमा हो तो मतलब हफ्ता हफ्ता निकलने वाले थिएटर में। ये वेव आएगा, वेव गदर 2 का। बात करूं गाइस मुंबई की, 304 शोज में 5% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे 103 शोज में 7, बेंगलुरु सिर्फ 11 है अभी, तो जस्ट वेट ऑन दैट, 5%। हैदराबाद 18 शोज में 5, कोलकाता 96 शोज में 4%। अहमदाबाद इज ज्वाइनिंग द पार्टी, एंड इफ अहमदाबाद ज्वाइन दिस पार्टी देन देर इज नो स्टॉपिंग। 185 शोज में 5%, सूरत 88 शोज में 7, जयपुर में राज मंदिर तो अभी से पब्लिक टिकट बुक कर रही है वहां पर, वो आइकॉनिक सिनेमा है, जो टूरिस्ट रहते हैं जयपुर नहीं आया राज मंदिर में फिल्म नहीं देखा तो वो कंप्लीट नहीं है जयपुर आपका, तो वो जयपुर वाले पूरा बुक कर रहे हैं टिकट। 99 शोज में 22% ऑक्यूपेंसी है। आगरा 23 शोज में 10, गदर इज टेकिंग अ 25 CR फ्लैट ओपनिंग ऑन इट्स फर्स्ट डे, इज गोना शैटर मेनी मिथ्स। एक उम्र कोई नहीं होती एक्टिंग करने की, आदमी कभी भी आके फिल्म कर सकता है, पेल सकता है। जस्ट इमेजिन सनी देओल ने कितने साल अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया। सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। द रोड टू गदर 2 बाय आमिर अंसारी हैज बिगन। जॉइन अस, पार्टिसिपेट इन दिस कंप्लीट हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ गदर द्वितीय। अब कल मिलेंगे गदर 2 के एक और एपिसोड के साथ। आशा करता हूँ एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आ रहा हो। कुछ भी सुझाव, कुछ भी सजेशन हो आपके, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अब भैया सब्सक्राइब कीजिए, भाई तारा जैसा हथौड़ा मार दिया तो सब्सक्राइब बटन पर। मैं अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से Stay cool, man.